इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स के विषय में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? तो सपोज कीजिए ए और बी दो सेट हैं, तो ए और बी के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे, यानी ए में भी पाए जाएंगे और बी में भी पाए जाएंगे। सिंबॉलिक फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, मान लो सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेट बी में 2 3 5 7 11। हम देखेंगे जो इसमें भी हो इसमें भी हो ऐसे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ए इंटरसेक्शन का सिंबल है, तो ए इंटरसेक्शन बी में दो दोनों में पाया जा रहा आ गया, थ्री दोनों में वो भी आ गया, फाइव भी है, सेवन है, तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए 2 3 5 7 जो उसके इंटरसेक्शन में है, अर्थात जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। सिंबॉलिकली यानी प्रतीक के रूप में हम इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू द सेट बी, यानी एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। जब हम वेन डायग्राम से इसको दिखाते हैं तो दोनों सेट हमने बनाया सेट ए सेट बी, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन को हमने शेड कर दिया, ये कॉमन पोर्शन इसका आ गया, ये ए इंटरसेक्शन बी का। अगला होता है डिसजॉइंट सेट्स, विसंधि समुच्चय जिसको कहते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, अर्थात ए और बी दो ऐसे सेट हों कि यदि हम उनका इंटरसेक्शन लें तो उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो ए में भी हो और बी में भी हो, कॉमन ना हो, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा 5 आ जाएगा। तो ऐसे जो सेट्स होते हैं वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। जैसे सेट ए में 2 4 6 8 है और बी में है 1 3 5 7, यदि हम इनका इंटरसेक्शन देखें तो इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा एम्प्टी, तो इसी को कहेंगे हम डिसजॉइंट सेट्स। एक सेट ए और एक सेट बी अगर वेन डायग्राम से दिखाएंगे तो दोनों सेट हमारे अलग अलग हैं क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए है। पहला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कमुटेटिव, अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए या बी और ए का, सेम रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ को भी इंटरसेक्शन ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है, ए इंटरसेक्शन बी फिर सी के साथ इंटरसेक्शन, और या बी और सी का इंटरसेक्शन लेके ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिए तो सेम रिजल्ट आएगा। थर्ड है फाइव मनी इम्पटी सेट और सेट ए का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात फाइ आ जाएगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ सेट ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट और सेट ए का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको सेट ए के एलिमेंट मिलेंगे, और जब ए सेट ए और सेट ए इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट ए आ जाएगा क्योंकि इसके इसके एलिमेंट दोनों सेम होंगे। एक होता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे चलता है ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। एक आता डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट का अंतर, तो अगर ए और बी दो सेट हैं तो डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट इन बी, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो लेकिन बी में ना हो उसको कहते हैं ए माइनस बी। सिंबॉलिकली हम लिखते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में जो एलिमेंट आएगा उस सेट ए में तो होगा लेकिन सेट बी में नहीं होगा, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। फॉर एग्जांपल यदि हम इस सेट का ए माइनस बी अगर हम निकालना चाहते हैं तो जैसे वन वन के बाद फिर हमारा आया
वन के बाद फोर और आ गया सिक्स और आया एट और आया टेन। तो आप देख रहे सेट ए में ए जो एलिमेंट हैं वन फोर सिक्स एट टेन वो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो जब ए माइनस बी लिखेंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे आ जाएंगे वन फोर एट और टेन भी आ जाएगा, साथ ही साथ और भी हमारा जाएंगे नाइन भी आ जाएगा। ठीक, तो एक आया वन, दूसरा आया फोर, तीसरा आया सिक्स, एक आया हमारा एट, एक आया नाइन और एक आ गया टेन। ए माइनस बी अगर आप निकालते हैं तो ए माइनस बी इट्स सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। अगर आप वेन डायग्राम से दिखाते हैं तो एक सेट ए आपने बनाया एक सेट बी, तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है वही कहलाएगा ए माइनस बी। अलग अलग आप सबका नोटेशन कर सकते हैं, इधर वाला जो शेडेड पोर्शन है वो ए माइनस बी, बीच वाला जो अनशेडेड हमने दिखाया वो ए इंटरसेक्शन बी है और इधर वाला कहलाएगा बी माइनस ए। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक एक्सरसाइज 1.4 का करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम अगले वाले लेक्चर में सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।